hello everyone how are you welcome again on your youtube channel exam hut yes dear student you can see on the screen board here is a series of subject verb agreement and today we are doing the पीवाई क्यूज सीरीज आज हम जो कर रहे हैं वो क्या है हमारी सीरीज़ है प्रीवियस लेक्चर को आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में देख सकते हैं हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सिक्वेंस वाइज जो है रूल्स किए हैं ऐसा नहीं है कोई रूल कहीं से उठाया है कोई रूल कहीं से उठाया है सिक्वेंस वाइज जो है हमने रूल किए हैं एंड इससे पहले की जो वीडियो है आपकी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें आप क्लास में देखेंगे कि उसमें हमने आपको एरर्स करवाए हैं एंड आज जो है वो मैं सिर्फ पीवाइक्यूस के एरर लेकर आई हैं एंड ऑल दीज आर एरर्स आर बेस्ड ऑन एनडीए पीवाइक्यूस आज जो है वो मैं एनडीए के पीवाइक्यूस लेकर आई हूँ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है Uh, PYQs जब आप सकते हैं मैं वहाँ पर आपको करूंगी कि ये इस ईयर में आया हुआ है जनरली क्या होता है कि मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम से पीवाई क्यों उठाए क्योंकि अगर मैं अलग अलग से उठाती तो बच्चा जो है वो मैच नहीं कर पाता कि मैं कह रही हूँ कि ये एस एस सी में आया था ये SSC में आया था बच्चा कितने PYQs को एक साथ देख पाएगा इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ जो है वो पहले एनडीए के PYQs को मेंशन किया है ताकि आपको विश्वास हो सके कि जो आपको यहाँ डाटा दिया जा रहा है वो टोटली ऑथेंटिक है उसमें कुछ भी फेक नहीं है चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या स्पोर्टिंग एरर इन पीवाई क्यूज हम एरर में पीवाई क्यूज करेंगे और जितने भी यहां पर आप एरर देखने वाले हैं ये टोटली जो है आपके रूल पर बेस्ड है कोई एक सिंगल जो है वो आपको यहाँ से नहीं देखने को मिलेगा कि जो हमने आपको रूल करवाए हैं उनसे कौन सा भी एरर जो है वो अलग नहीं होगा देखो ये जो फर्स्ट है आपका 2012 से उठाए बेटा हमने 2012 के फर्स्ट जो है फर्स्ट मे टू से अप्रैल का जो आपका एग्जाम है वहां पर आया हुआ है एंड दिस वन इज टू थाउजेंड ठीक है और जैसा कि मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि यहाँ आपको हर साल जो है इसमें से पीवाई क्यूज देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आपको पीवाई क्यूज देखने को मिल रहे हैं देखो ईच का रूल जो है हमने अपने वर्कशीट में किया है रूल्स में किया है एंड एरर प्रैक्टिस में किया है तो ईच के बाद जो है हमने ईच के बारे में क्या बताया आपके साथ ईच के जस्ट बाद अगर वो आता है तो वो इंक्लूड हो जाता है determiner में but each के बाद अगर आ जाता है तो वो इंक्लूड हो जाता है आपका किस में में ठीक है तो यहाँ पर ये इंक्लूड हो गया प्रोनाउन में लेकिन हमें तो क्या ढूंढना है भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट ढूंढना है हमें नाउन प्रोनाउन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर ठीक है तो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है हमें कि आपको सब्जेक्ट जो है वो अगर ईच या ईच ऑफ है तो उसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होगी तो यू हैव टू सी हेयर आपको क्या देखना है कि वर्ब देखनी है भाई इसके बाद ईच के बाद ऑफ आया तो नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल आते हैं तो ये प्लू, प्लूरल आया है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ए पार्ट में कोई दिक्कत नहीं अब हमने कहा इसके बाद वर्ब क्या आगे आपकी सिंगुलर आएगी तो सिंगुलर आएगी तो इन्होंने क्या लगा रखा है तो क्या हो गया बेटा ये क्या हो गया आपका प्लूरल ठीक है तो यहाँ पर जो है हमें बी पार्ट में एरर मिल गया तो जल्दी से बताइएगा नेक्स्ट वन नो वन None None of of the 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 applicants applicants have have turned turned up up. for the interview on time. None of the applicants have turned up. Again humne ye jitne bhi words है ना ये जब भी अपने साथ ऑफ को कैरे कर लेते हैं तो इनके बाद जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर consider होती है प्लूरल consider नहीं होती तो ये जो है हमें यहाँ पर भी क्या लिखना चाहिए बेटा यहाँ पर हैज को कंसीडर करना होगा Next one है बेटा आपके आपके पास Next one होगा आपके पास होगा आ गया बेटा आपका कलेक्टिव नाउन का रूल भी ऑलरेडी हम अपने किसमें कर चुके हैं कलेक्टिव नाउन का रूल भी हमने आपको अपने रूल बुक पे बताया है कलेक्टिव नाउन भी हमेशा क्या यूज करता है बेटा हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करता है ये आपका लेटर जो है सॉरी ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2014 2014 से कंसीडर किया गया 2014 के फर्स्ट एग्जाम से है एंड ये दिस वन 2014 के सेकंड एग्जाम में है भाई ठीक है यहाँ पर देखो बेटा हमने आपको कलेक्टिव नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक रूल बताया था कि कलेक्टिव नाउन में अगर आपके पास इट्स को मेंशन किया गया है तो वो वर्ब जो है वो क्या लेगा सिंगुलर लेगा बेटा और अगर उसके साथ आपने क्या मेंशन किया है क्या या फिर आपको देअर दिख रहा है तो उसके बाद जो वर्ब यूज होगी बेटा वो क्या यूज होगी आपकी प्लूरल वर्ब यूज होगी ठीक है आगे बात समझ में तो यहाँ पर यहाँ तो ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा तो हमें यहाँ पर वर्ब क्या यूज करनी है वहां पर हमें यूज करनी है हमेशा सिंगुलर वर्ब क्या होता है बेटा इट्स और देयर क्या है हमारे क्या है शबाश ये भी आपके डेटरमिनर की जो क्लास ले रहे हैं हम स्कूल लेवल की उसमें लेकिन स्कूल लेवल के साथ साथ उसमें मैं कंपटीशन का भी करवा रही हूँ आपको वहां पर आपको बताया गया बेटा कि वो जो है आपका आ, जो है एडजेक्टिव में कंसिडर हो जाते हैं और जब इट्स होता है आपका या हिज होता है अगर लिविंग थिंग है तो लिविंग पर्सन की बात हो रही है तो वहां पर हिज को कंसिडर करेंगे और नॉन लिविंग की बात है तो इट्स को कंसिडर करेंगे तो वो क्या दिखाता है बेटा कि जब कलेक्टिव नाउन यूनिटी में काम कर रहा है तो हम इट्स को और हिज को देखते हैं और यूनिटी में काम कर रहा है तो हम क्या मानेंगे बेटा उसे सिंगुलर मानेंगे लेकिन अगर वो डिवाइड हो गया है यूनिटी नहीं रही है तो हम उसको देअर में कंसिडर करते हैं वट एवर इट विल बी लिविंग और नॉन लिविंग फिर वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो हमें कोई मतलब नहीं है उससे अगेन आ गया बेटा नीदर ऑफ देखो मैंने जिस दिन आपकी क्लास ली थी ना बेटा उस दिन से मैं एक ही चीज कंटिन्यू बोल रही हूँ ये ईच ऑफ इधर ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आप पीछे की जो क्लासेस है ना उनको प्लीज एक बार देखिए और मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है और आप पीवाई क्यूज में ये सारी चीजें जो हैं वो मैच कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपका बताया गया या हमारा बताया गया रूल कौन सा पेपर में नहीं आया मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको बता रही हूँ उठाएंगे तो कंपटीशन के किसी सिंगल जो है वो पेपर में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी यहाँ जनरली आपको देखने को मिलेगा कि हम यहाँ पर आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं जो आपके लिए दी बेस्ट होने वाली हैं और आपको एग्जाम में श्योर एंड सर्टेन रिजल्ट दिलाने वाली हैं सो कीप कनेक्टिंग विगर्स चलिए बेटा देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स के साथ क्या बेटा यहाँ पर नीदर इधर हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं सिंगुलर वर्ब कंसीडर करते हैं तो सिंगुलर वर्ब कंसीडर करते हैं तो ये भी क्या होगा बेटा आपके पास ये भी किस में आना चाहिए था इसमें आना चाहिए था अगेन देखो द नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ ये सारी चीजें लिखवाई थी ये क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन भी आपका 2014 के सेकंड पेपर में है ठीक है भाई आप चेक कर सकते हैं द नंबर ऑफ जॉब्स दैट वुड बी सैटिस्फेक्टरी इन ऑल रिस्पेक्ट आर स्मॉल अगेन द नंबर ऑफ ऑफ वाले जो भी आ रहे हैं बेटा अपने साथ क्या लेंगे यहाँ पर, पर इसको कंसिडर करना है सोचने वाली बात ही नहीं है बेटा यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है कोई दिक्कत है यहाँ तक सारे के सारे ईच ऑफ इधर ऑफ निधर ऑफ ठीक है नंबर ऑफ यहीं से आए हैं पाइल ऑफ नेक्स्ट वन देखिएगा मैनी अबॉय ये भी आपको स्पेशली बताया था स्पेशली मेंशन किया था मैनी के बाद आपको क्या मिलेगा बेटा आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलेगा और मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल मिला तो वर्ब क्या रह जाएगी प्लूरल लेकिन मैनी के बाद ए या एन आ गया तो आपकी वर्ब क्या हो जाएगी सिंगुलर हो जाएगी तो यहां पर मैनी के बाद क्या आ गया बेटा ए या एन आ गया तो वर्ब को क्या होना चाहिए वर्ब को क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए लेकिन इन्होंने वर्ब को क्या मेंशन कर दिया वर्ब को मेंशन कर दिया प्लूरल ठीक है plural. तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई इस गलती को सुधारना है एंड इस गलती को सुधारते हुए आपको क्या करना है यहाँ पर वोज लिखना है ठीक है तो क्या हो गया हमारे ए पार्ट में एरर हो गया बताओ एरर ढूंढने में कहा गलती आ रही है अगर आपने रूल अच्छे से किए हैं तो एरर को ढूंढने में आप गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते सिर्फ आपको किस पर फोकस रखना है आपको फोकस रखना है अपने रूल्स पर ठीक है ये जो क्वेश्चन है बेटा ये भी आपका 2014 में आया है अगेन 2014 के क्वेश्चन आ रहे हैं वेरी गुड 2014 के सेकंड पेपर में आपका ये क्वेश्चन आया है नोट वन ऑफ द हंड्रेड ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स फिर से आ गया बेटा ऑफ ठीक है और ऑफ वाले जहां भी आ जाते हैं हमारे पास क्या नहीं आएगा वर नहीं आएगा क्या आना चाहिए था यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था वो ये पेपर में कब आया बेटा आपके 2015 के अप्रैल सेशन का क्वेश्चन है भाई ठीक है ध्यान रखेंगे क्या आना चाहिए बोस आना चाहिए लो भाई फिर से राम कहानी नीदर ऑफ द टू लेटर्स क्या वर, अब तो वाला जिसने भी वाला अब जिसने भी गलत किया ना मतलब वो बच्चा जो है वो तो क्या कर ले अपना कायदा उठा ले ठीक है अब कायदा क्यों उठा ले क्योंकि इतने क्वेश्चंस एक ही रूल से हर साल आ रहे हैं और फिर भी अगर आप उस रूल को गलत कर रहे हो तो बेटा आप कंपटीशन फील्ड के लिए नहीं बने हो अभी आपको अपना बेस जो है वो स्ट्रोंग करना पड़ेगा पहले फिर आप कंपटीशन में आ सकते हो बेटा देखो क्या होता है जनरली कंपटीशन फील्ड जो होता है ना उसमें हम क्या करते हैं फॉर्म जब देखते हैं फॉर्म निकलते ही हर कोई सोचता है फॉर्म भर दो मतलब डिग्री तो सबके पास है ना स्कूल कॉलेज गोइंग डिग्री तो सबके पास है जिस तरह एनडीए के लिए ट्वेल्थ चाहिए ट्वेल्थ अपियरिंग तो हर कोई बच्चा फॉर्म फिल कर देगा फिर जो पढ़ने वाला बच्चा है या जो एवरेज बच्चा है जो प्रिपरेशन कर रहा है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने ने अप्लाई किया उसको देखकर उसकी हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एप्लीकेंट जो हैं जितने भी उनके नंबर देखकर जो है मतलब फॉर्म कितनों ने फिल किया है वो नंबरिंग देखकर कभी ना बुराएं क्योंकि उसमें से 50% ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है पेपर से मतलब उन्होंने सिर्फ जो है फॉर्म फिल किया है और वो जस्ट पेपर देकर आएंगे ठीक है उनमें से कुछ तो देकर ही नहीं आएंगे और देकर आएंगे उनको जो है वो क्या नहीं करना क्या नहीं करना है वहां पर तैयारी नहीं करनी ठीक है वो भाई अगर पास में सिटी आ गया एग्जाम सेंटर पास में आ गया तो चले गए या फिर दोस्तों के साथ घूमने के लिए चले गए उनका मोटो यही होता है अब 50 परसेंट जो बच्चे हैं ना उनमें फाइट होती है अब 50 में से भी 30 परसेंट या 25 परसेंट हम ऐसे बच्चे लगाएंगे बेटा 25 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एवरेज होते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं कोई हायर एग्जाम की तो वहां पर वो घबरा जाते हैं या फिर उनका बेस जो है वो स्ट्रांग नहीं होता जिसके कारण जो है वो प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं तो कभी भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट देखकर बेटा कभी घबराना नहीं है हाँ एक बार में जो है वो सक्सेस नहीं मिलती है लेकिन अगर आप लगे रहोगे तो सक्सेस आपसे कहीं नहीं गई एक बार में हारकर नहीं बैठना है बेटा अगर एक बार में हार कर बैठे होते तो देखो कहा हम प्लैनेट्स जो हैं उनकी स्टडी करने पर कहा अब साइंस ने कितनी टेक्नोलॉजी अडोप्ट कर ली है साइंस के थ्रू जो है हम प्लैनेट्स पर जाने लगे हैं अभी इसरो की नासा की आप कितनी इन्वेंशंस देख रहे हो ना कितनी तरक्की कर ली है देश ने तो अगर उन लोगों का एफर्ट एक बार में सक्सेस हो जाता तो और अगर वो एक बार में सक्सेसफुल ना होते एक बार में सक्सेसफुल नहीं हुए और उसके बाद वो एफर्ट छोड़ देते तो क्या ये टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाती नहीं पहुंच पाती तो बेटा कभी भी कभी भी भी एक एफर्ट के बाद अपना फेथ नहीं छोड़ना है लगे रहो सक्सेस आपकी ही होगी और एजुकेशन एक ऐसी चीज है बेटा जो आपको हमेशा कुछ देकर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो तरक्की की तरफ लेकर जाएगी और कुछ भी नहीं आपसे कुछ नहीं लेती हो वो आपका सिर्फ उस समय लेती है लेकिन उस समय के बदले में आपको इतना कुछ देकर जाती है कि आपको समझ नहीं आएगा लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं उस समय को वीडियो गेम्स में ही खराब करना है उनको ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको ऐप तो ले लिया लेकिन देखना कैसे है? ऐसे और इसके बदले इंस्टा पर रील्स बनाने ज्यादा पसंद है उनको तो बेटा अपने टाइम को यूटिलाइज सिख, करना सीखो क्योंकि टाइम किसी का नहीं है आज आपको मिला है तो उसे अच्छे से यूज करो चलो भाई मोटिवेशन ज्यादा हो गया तो इसलिए प्लीज नीदर ऑफ इधर ऑफ वाला आप गलत नहीं करेंगे बेटा ये आपका आया हुआ है टू के सेप्टेम्बर एग्जाम में ठीक है सेकंड पेपर में आया हुआ है ये आप मैच कर सकते हैं इसलिए मैं ईयर मेंशन कर रही हूँ द वॉइस ऑफ द सेनेटी एंड पेट्रियोटिज्म इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हैं लेकिन सब्जेक्ट जो है ये नहीं है सब्जेक्ट क्या है सेनेटी एंड पेट्रियोटिज्म की वॉइस तो सब्जेक्ट हमारा क्या बना वॉइस बना the voice of sanity and patriotism आवाज की बात हो रही है सैनिटी एंड पैट्रियटिज्म की बात नहीं हो रही है तो इसलिए हम क्या कहें यहाँ पर आर ना कर क्या आना चाहिए था इज आना चाहिए था एंड द एरर इज इन बी सेक्शन ठीक है भाई ये आपका आया हुआ है बेटा ये भी 2015 के आपके सेकंड एग्जाम में आया हुआ था ठीक है

क्या आएगा बेटा आपका जो नाउन आएगा वो क्या आएगा प्लूरल आएगा तो नाउन भी यहाँ पर क्या आया हुआ है आपका प्लूरल आया हुआ है तो वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन ठीक है क्लियर हो गया यहाँ तक कोई गाड़ी नहीं है ठीक है फिर आता बेटा हाँ ए और बी पार्ट में नहीं है आ गया बेटा हमने आपको बताया था रूल किए हुए हैं अच्छे से पढ़ना के बाद जो वर्ब लगती है वो हु से पहले जो सब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग लगती है तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो वर्ब ये जो है ना ये दिस व्यू के अकॉर्डिंग नहीं लगा बेटा आपको क्या देखना है हु से पहले जो सब्जेक्ट है हु से पहले सब्जेक्ट क्या है परसंस तो परसंस है मतलब प्लूरल है और प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए बेटा हमारी प्लूरल होनी चाहिए तो क्या ये सही है शबाश बताइए सेम ऐसा क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको करवाया था वेरी गुड बताइए सेम ऐसा क्वेश्चन जो है हमारे पास था बिल्कुल बेटा हमारा सी पार्ट में क्या हो जाएगा एरर ये 2018 के फर्स्ट पेपर में आपके मेंशन है भाई ठीक है क्या बेटा वन ऑफ के बाद आपका प्रोनाउन जो है वो क्या आएगा नाउन या प्रोनाउन जो है वो हमेशा प्लूरल के बाद जो है वर्ब जो है से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको देखनी है ठीक है अगर बेटा यहाँ पर हु नहीं होता ना तो हैज़ ठीक होता ठीक है लेकिन यहाँ पर हु आ गया तो अब हमें अपने रूल को चेंज करना पड़ेगा ठीक है देखो ये देखो आ गया भाई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड है यूज ऑफ टो बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी, अभी एक, एक seconds की को, बैक को। मैंने कहा हु ना होता तो हमारा हैज ठीक होता यही बोला यही बोला ना क्यों क्योंकि मैंने अभी इतनी तो रामायण में क्या बताया आपको कि जितने भी हमारे पास ऑफ वाले आ रहे हैं ना ऑफ वालों में लगभग वर्ब क्या है वन ऑफ है नीदर ऑफ है इधर ऑफ है नंबर ऑफ है मैनी ऑफ है सबके साथ आपको क्या रखना है बेटा वर्ब को सिंगुलर रखना है अब इसमें हमने क्या कहा कि दिस व्यू के साथ हैज लग गया यहां पर वन ऑफ के बाद जो है वो नाउन प्लूरल आ गया तो चाहे नाउन प्लूर हो चाहे सिंगुलर वर्ब क्या रहेगी सिंगुलर ही रहेगी लेकिन हमारा एक पर add हो गया गया कि उसने use कर दी आ गया, तो who वाले में ये रूल फॉलो हम नहीं कर सकते अगर हु आ जाए तो हमें वन ऑफ इधर ऑफ निधर ऑफ इनको नहीं देखना फिर हु के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी और वर्ब क्या कहेगी कि से पहले अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर रखो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रखो। क्या किया से पहले हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने वर्ब को क्या करना है प्लूरल करना है कहानी खत्म अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ दोबारा से आ गया bad habits one of the most widely bad habits plural आ गया ना हमारे पास उसके बाद हमने अभी क्या कहा अगर हू नहीं होता तो हैज ठीक था मतलब सिंगुलर ही आएगा तो यहां पर इन्होंने क्या लगा रखा है भाई इज मतलब वर्ब क्या है हमारे पास सिंगुलर है तो मतलब क्या हुआ मतलब क्या हुआ बेटा कि हमारे पास इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है देयर इज सेंटेंस no और ये बेटा आपका आया हुआ है किसमें ये आपका आया हुआ है 2019 के पेपर में 2019 के फर्स्ट पेपर में आपके क्वेश्चन आया हुआ है क्लियर हो गया भाई यहाँ तक शापाश नेक्स्ट देखो बेटा ही आस्ट वेदर इधर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम फिर आ गया बेटा इधर हो क्या आ जाएगा क्या आना चाहिए अपने पास वॉज आना चाहिए था इधर ऑफ निधर ऑफ इच ऑफ ठीक है हमेशा क्या रहेंगे सिंगुलर रहेंगे फिर बेटा ये आपका आया हुआ है 2019 के ही पेपर में एक ही पेपर में एक सब टॉपिक से दो क्वेश्चन देखो भाई फिर आता बेटा अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड देखो आ टाइम स्लॉट ऑफ फिफ्टीन मिनट बात किसकी हो रही है बेटा यहाँ पर टाइम स्लॉट की हो रही है ठीक है किसकी टाइम स्लॉट की फिफ्टीन मिनट्स की बात नहीं पंद्रह मिनट का एक समय ठीक है तो यहाँ पर आठ ना कर क्या आना चाहिए था इज आना चाहिए था ठीक है भाई ये 2019 में अगेन आपका ठीक है 2019 के सेकंड पेपर में आया हुआ है फिर देखो बेटा ये भी आपको करवाया हुआ है इधर और निधर नोर इंपोर्टेंट है दोबारा से बोल रही हूँ पीवाई क्यूज में है तो ऑलरेडी इंपोर्टेंट हो गया आपका नीदर प्रेस नोर ब्लेम सीम टू बी अफेक्ट हिम अब पहली बात तो बेटा हमने क्या कहा कि नीदर इधर जो है वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं तो एरर तो वैसे ही हो गया कि बी पार्ट एरर हो गया इन्होंने एस नहीं लगा रखा seems. लेकिन नीदर, के बाद जस्ट बाद सब्जेक्ट आए या आकर सब्जेक्ट आए आए आकर तो सिंगुलर रखना है अगर उनके साथ और या नोर जुड़ रहा है तो रूल चेंज हो जाएगा जैसे हु जुड़ रहा है तो रूल चेंज हो रहा था इसी तरह से नोर जुड़ रहा है या और जुड़ रहा है तो रूल चेंज हो जाएगा फिर क्या करना है आपको क्या करना है वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट देखना है ठीक है वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल और सिंगुलर है तो सिंगुलर तो यहां पर ब्लेम ब्लेम क्या आपका नाउन है वो तो सिंगुलर ही रहता है इसलिए बी पार्ट में क्या हो गया एरर इस सेंटेंस में अगर वो कर देते नीदर बॉय नोर गर्ल्स ठीक है अगर ऐसे कर देते ना वो तो हमें यहाँ सीम का सीम रखना था ठीक है अब नीदर को देखकर सोचो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर और और अब क्या रखनी चाहिए क्या रखनी चाहिए सिंगुलर रखनी चाहिए ऐसा नहीं ठीक है अगर नोर या ओर आ गया बीच में तो वर्ब से जो पहले वाला सब्जेक्ट है उस पर फोकस रखना है क्लियर चलो अब एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइट एवरी वन ऑफ द बॉय अगेन एवरी वन वन ऑफ क्या रहता है, रहता है तो लव की जगह क्या नाइनटीन के सेकेंड पेपर में थे बेटा ये दोनों सेकेंड पेपर में थे ठीक है ये बेटा कुछ हमारे पी वाई क्यूज थे जो टू थाउजेंड ट्वेंटी था बेटा आपका पेपर 2020 कोविड ड्यूरेशन था आपका और उसमें इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया था बेटा एक तो अटेम्प्ट था आई थिंक और एक अटेम्प्ट में जो है इन्होंने सारे जो है वो प्रेपोजिशन करती थी थीके? और जो हमारे पास बचे किसके 2021, 22 एंड 23 इन तीन के जो है मैं आपको अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी और इन पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपको करने होंगे 2023 का जो सितंबर का है वो तो अभी मुझे याद है मैंने आपको क्लास में भी करवाया था यहाँ पर जो है जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था सिंटेक्स से कंडीशनल uh, सेंटेंस वाला अभी दिमाग में है सिंटेक्स से जो है वो अभी दिमाग में नहीं है इफ वर वाला तो आया हुआ था uh, और अप्रैल वाला भी जो है वो यहाँ से क्वेश्चन शोर था तो हमने क्या देखा जनरली अभी अगर इनको देखें हमने क्या देखा बेटा देखो हमारे पास 2019 के दोनों में एक बार है हमारे पास देखो 19 के दोनों पेपर्स में हमारे पास है 18 में हमारे पास आया हुआ है 15 में आया है 16 17 में मिसिंग है यहाँ पर हम देखेंगे 15 में 14 में 13 में यहां पर देखो आप 14 में 12 में तो हर साल जो है यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं तो एक जनरल सेंस जो है वो हम समझ सकते हैं कि हमारे इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है ठीक है क्योंकि जब हर साल यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है इट मीन जो है वो क्वेश्चन तो आने वाले हैं यहाँ से और क्वेश्चन आने वाले हैं इतना ही नहीं क्वेश्चन जो रूल हमने किए हैं वहां से ही आ रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट ये बनता है बट अब की बार जो है एनडीए ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया था बेटा उन्होंने जो है वो कॉम्प्रीहेंशन को मेंशन कर दिया था एंड उसने जो है वो 2014-15 में जो वो पैटर्न देता था उसको फॉलो कर लिया था होमोफोन्स को ले लिया था एंड एंटोनिम्स uh, को आई थिंक कम साइनोनिम्स uh, को कम किया था या एंटोनिम्स को कम किया था पांच ही डाले थे उन्होंने एंड उन्होंने जो है इडियम फ्रेजेस को मैंशन नहीं किया था तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिखाना चाहूंगी कि 2014 से पहले जो है इस तरह इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आते थे सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलते थे हम उनको तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी हम अब की बार आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ये आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं आप कोई भी एग्जाम देंगे ऑल uh, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन तो एरर ही होते हैं बेटा एरर से इजी हो जाता है ये क्योंकि एरर में क्या होता है कि हमें पूरे सेंटेंस में से फाइंड आउट करना पड़ता है ये सिर्फ अंडरलाइन करके आपको क्या देंगे वर्ड देंगे एंड उस वर्ड में से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि विच वन इज करेक्ट और इनकरेक्ट uh, जिस तरह अगर आप का सेंटेंस जिस तरह हम एरर में ढूंढते हैं ना कि अगर एरर नहीं है तो आप नो no एरर कर दो तो यहाँ अगर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप क्या कर दो नो no इंप्रूवमेंट कर दो तो आई यू एंड ही अब तीन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन तीन जुड़ गए तो ही के साथ इज नहीं रख सकते ना तो यहां पर क्या आएगा यहां पर जो है हमारा क्या रखें हम प्लूरल रखेंगे आई यू एंड ही आर गिल्टी मैनी आ स्टूडेंट अभी किया बेटा हमने मैनी के बाद ए आ जाए तो वो क्या हो जाता है, बेटा? हो जाता है तो नहीं आ सकता, कल ही रूल लिखवाए थे आपको कि कुछ ऐसे हमारे पास डिजीज नेम वगैरा होते हैं जो एस रखते हैं बट जिस तरह आपके मैथमेटिक्स हो गया स्टेटिस्टिक्स हो गया फिजिक्स हो गया बिलियार्ड्स हो गया और हमने कुछ डिजीज के नाम बताए थे सब्जेक्ट्स के नाम बताए थे मॉम्स हो गया आपका रिकेट्स हो गया वो दिखते प्लूरल है लेकिन वर्ब हमेशा क्या रखता है सिंगुलर वैसे ये नाउन की तरह यूज होता है इज नॉट अ पॉपुलर गेम नहीं है अ हर्ड ऑफ एलिफेंट क्या आ गया बेटा आपका यहाँ पर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड तो ये हमारे कुछ क्या है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है मैंने इजी से मैं किए हैं ज्यादा नहीं किए चिल्ड्रन लाइक सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपको इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं तो ये हमारा टॉपिक uh, था सब्जेक्ट वॉफ एग्रीमेंट का सिंटेक्स के पीवाईक्यूज हो चुके हैं और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा डाउट डिस्कशन क्लासेस होगी आपकी लाइव क्लास चलेगी और उसमें आपका सोल्यूशन होगा Uh, कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं एंड टिल देन स्टे कनेक्टिंग एंड कीप वॉचिंग बिकॉज यही एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा थैंक्स अ लॉट फॉर कॉपरेटिंग थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स